जय मिथिला, जय श्री किशोरी जी, जय राजा विदेह, राजा जनक की जय हो, मिथिलांचल की जय हो। आई मिथिला नगरी धन्य भ रहल अछि। जनक नंदिनी जानकी जी बामा हाथे जाय धनुष के, शिव धनुष के उठा कर नीप दलखिन है। मिथिलांचल में सगरो शोर भ रहल अछि। शिव के धनुष के बायां हाथे के उठा सकैए, असाधारणे तत्व कोनो उठा सकैए। राजा विदेह सोचलन ओकरे संग सिया धिया के विवाह करब जे ई शिव धनुष के तोड़ी दे, अर्थात बल के परीक्षा करथिन जे हमरा बेटी लायक जे वीर है तकरे से बेटी के विवाह करब। सगरो हल्ला भेले, देश विदेश के राजा सब एला, किनको बुते नहीं किछ भेलन ओहि धनुष के कैल। मुदा अखिल ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर ब्रह्म एते चांस कलापर्ण रामास्तु भगवान स्वयं अपना गुरु के संग दुहू भाई एलखिन है और ओहि धनुष के तोड़ दलथिन है। आब त मिथिला में खुशी के लहर भ गेले, दौड़ गेले जे आब त हमर जनक लली के विवाह राम भद्रक संग हेतन। खुश भ गला है विदेह राज। अयोध्या संवाद गेलैए, विवाहक तैयारी प्रारंभ भ गेलैए। खबर अयोध्या से आबि गेले जे सरकार अपने विवाहक तैयारी कैल जाओ। आब तो मिथिलांचल दुल्हीन जका सज धज गेलैए, संपूर्ण मांगलिक वातावरण बनि गेलैए। केहन वातावरण छे, आओ मोद लता जी के भावना के संग मिथिला दर्शन करी। मंगल आजू जनक पूर घर घर मंगल है, आहे मंगल आजू जनक पूर घर घर मंगल है, आहे मंगल तने हो बितान गान धोनी मंगल है, आहे मंगल तने हो बितान गान धोनी मंगल है, आहे मंगल दुलही ना चारु दुलह चारु मंगल है, आहे मंगल दुलही ना चारु दुलह चारु मंगल है, आहे मंगल ब्याह उछाह मोद प्यारी मंगल है, आहे मंगल ब्याह उछाह मोद प्यारी मंगल है। समस्त मिथिलांचल मंगलमय वातावरण सँ ओत प्रोत, कण कण में जनक लली के विवाहक उत्साह भरल अछि। लता पता वृक्ष पृथ्वी जल हवा सूर्य चंद्र सब प्रसन्न मुद्रा में प्रकृति सेहो सहयोग कर रहल अछि। संपूर्ण तैयारी भ गेलै के आब त अयोध्या सँ राजा दशरथ जी महाराज बरियाती लऽ कऽ प्रस्थान कऽ रहल हैं। हे अवधान करिया से अवधान करिया से चलले बरियतिया है सोहावन लागे
जनक नगरिया भेल ईशोर हे सोहावन लागे जनक नगरिया भेल ईशोर हे सोहावन लागे परिछन चलली सखी हे परिछन चलली सब सखिया सहेलिया हे सोहावन लागे पहिर कलहंगा पटोर हे सोहावन लागे पहिर कलहंगा पटोर हे सोहावन लागे कहत रसिक जन कहत रसिक जन दुल्हा सुरतिया हे सोहावन लागे सुफल मनोरथ भेलै सवारी पर सवार भा रथ पर हाथी पर घोड़ा पर ऊंट पर सब सवारी पर सुंदर सुंदर मुंह कान वाला देवता सब सेहो शामिल छथि ओहि बरियाती में सब अपन अहोभाग्य मना रहला है। बरियाती मिथिलांचल में प्रवेश कर रहला है, अगुवाई इंद्र कर रहलखिन है। देखै छथिन जे केरा के थम्भ गाड़ल छै, गाय के गोबर से नीपल छै, एकटा कोण में मणिमाणिक्य के ढेर लागल छै, एकटा बुढ़वा दलान पर बैस के गुड़गुड़ी पी रहलै है। भेलन जे आहा हा एते सुंदर पवित्रतम स्थान त लगैया जना हमरा लोकनिक ठहरबाक यह व्यवस्था हो। त अंदर जाय लगै छथिन भीतर, ओ बूढ़ा रोकै छन जे सरकार एम्हर कतौ अबै छियै। कहलखिन क्यों मेरे ठहरने का व्यवस्था तो यही होना चाहिए, हम लोग बारात वाले हैं। ओ बूढ़वा कहै छै सरकार ई अहाँ के ठहरो के व्यवस्था नहीं छै, अपने के व्यवस्था तो दोसर ठाम छै। अरे तो तुम कौन हो? ओ कहै छै सरकार हम मिथिलांचल के डोम छी, डोम। अरे तुम मिथिलांचल के डोम हो, तो तुम्हारे यहाँ इतनी संपत्ति कहाँ से आई? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे आंगन में मणिमाणिक्यों का ढेर पड़ा है। नहीं बुझलिए सरकार, हमरा विदेह राज ओहिठाम जाय बर्तन में एक बेर भोजन क लेल जाय छै न, ताहि में दोबारा नहीं कैल जाय छै, ओकरा उठा कर फेंक देल जाय छै। ओ बर्तन मणिमाणिक के होय छै, तो हम सब जाकर ऐठ उठा कर वो बर्तन बीच को लो अबै छी, अपना आंगन में जमा क लै छी। वह ही बर्तन के ढेर छै सरकार, ई तो मिथिलांचल के हमर विदेह राज के आंगनक जूठ बर्तन के ढेर अपने देख रहलिए है। आब तो इंद्र के बुद्धि हरा गेलै। अरे जे मणिमाणिक के ढेर ऐ जूठ बर्तन फेकलाहा बर्तन के हम देख रहलिए है, ई मणिमाणिक तो हमरा इंद्रलोक में सेहो नहीं है। जो संपदा नीच गृह सो सो विरंचि सुर नायक मोहा। आगा बढ़ला है तो साधारणतया एकटा घरक सामने बरियाती के लो जायल जाय छन। जेहने घर राजा के तेहने घर प्रजा के, ई छल प्राचीन मिथिलांचलक साम्यवाद। राजा और प्रजा के घर में कोनो फर्क नहीं, सब झटपट तैयार भला है। बौर सेहो अचकन मचकन लगा कर रामभद्र घोड़ा पर सवार भक विवाह कर चलला है। आह केहन परिदृश्य बनैया ओहिठाम, बड़ा सुंदर मोद लता जी पुनर ओहि दृश्य के वर्णन क रहला है। हो घोड़वा छमकावत आबै घोड़वा छमकावत आबै श्यामला पहुनवा देखु सहेलिया मोरी है मोरिया के अज बहार
देखो सहेलिया मोरी हे मोरिया के अजब पहुँचलखिन है मैथिलानी सब बर के सत्कार करत नीचा उतारे छथिन आंगन लॉ जेबाक तैयारी भ रहल कै आंगन क्रमिक लॉ जा रहलखिन है चारों भाई राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई सुंदर सुंदर दिव्य लागि रहला है और मिथिला वासी मैथिलानी सब चारों भाई के बड़ा स्नेह पूर्वक आंगन लॉ जा रहलथिन है आगा गेलखिन है मैथिलानी सोचे इतने सुंदर बर के जे मिथिला में गाड़ि नहीं पढ़बन तो नहीं निक बात हेतु हमरा लोकनिक तो परंपरा है जे हिनका माय बहन के गाड़ि पढ़बन तो बाप माय बहन सौंसे खानदानक नाम जे नहीं पहिने बुझ लेने रहब तो बाद में बड़ा दिक्कत है तो झट द एक विध के बहाना कह रामभद्र के कहे छथिन एकटा बात हमर कनी सुनी लिया एकटा बात हमर कनी सुनी लिया ई विधि के आका पैर दिया ई विधि के एकटा बात हमर कनी सुनी लिया ओ एहिठामक ई विध प्रसिद्ध अछि माय बहिन केर नाम लिया पाहुन माय बहिन केर नाम लिया एकटा बात हमर कनी सुनी लिया बहाने बर से हुनक माय बहनक नाम पूछ लखिन मैथिलानी सब आपस में खूब प्रसन्न जे हमरा सबके हाथ लग गेल हिनकर माय बहनक नाम आब गाड़ि पढ़ में ओरियात चल 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 आब हिनका अगला विध करब यानि तो समय आब गेलै वेदी परिक्रमा के मंडप परिक्रमा के रामभद्र के कहल जाय छन आब अहाँ वेदी परिक्रमा करियो तो बर के नाक पकड़ के घूमेबाक परंपरा रहले ये मिथिलांचल में जे जई बर के विवाह भ रहलन है हुनकर श्वास प्रश्वास पर कत्ते अपन पकड़ छन पुरुषार्थ कत्ते छन हिनका में
नाक पकड़ को बर के वेदी परिक्रमा करेबाक तैयारी भ रहलन है। रामभद्र धीर ललित नायक छथि, धीर गंभीर नायक छथि, धीरोदात नायक छथि। सोच रहला है जे सासुर से तो पहिल भेटे चलबे कोना, तो सोचे छथि गंभीर चाल में चलक चाहिए। रसे रसे चल के सोच रहला है, मंद गति से चलब से सोच क पैर आगा बढ़वे छथि। पैर बढ़वे देरी मैथिलानी चौकन्ना भ जाय छथि और आपस में वार्ता करत एक दूसर के देखत कहे छथिन, सखी हे रोसे रोसे पाहू न चलई छथि कोना, सखी हे रोसे रोसे पाहू न चलई छथि कोना, सखी हे कोलुआ के बरद घुमैया जेना, सखी हे कोलुआ के बरद घुमैया जेना। हास्य परिहास शुरू भ गेल अछि। कोलुआ के बरद कहलथिन है, भरत लाल जी तकै छथिन जेठ भाय देश, भैया किस समाज में आप शादी करने आ गए, ये तो तमाम मूर्खा हैं, आप ब्रह्म हो, इसकी जानकारी शायद इन्हें नहीं है, जो मन में आता है बोली जा रही है। रामभद्र उनट का तकलखिन है, मने मन मुस्कुराहट से कहे छथिन, बउआ संभर कर रही हैं, ई मिथिलांचल छे, एहिठाम तोहर जे सोच छो से गलत साबित भ सकै छो। भरत लाल जी जिज्ञासा व्यक्त कलखिन है, जे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। रामभद्र इशारा कलखिन जे भजिया ला। भरत लाल जी झट से पूछ दे छथिन, हिनका कोल्हुआ के बरद कहलियन कोना, हिनका कोल्हुआ के बरद कहलियन कोना। मिथिलानी कहे छथिन, हम कहलियन एना, हम कहलियन एना, 84 लाख में का जीव के पेरथी जेना, 84 लाख में का जीव के पेरथी जेना। आब तो भरत लाल जी के दिमाग उड़ गेल, यही तो वर्णन कर रहलखिन है ब्रह्म के, 84 लाख योनि रूपी कोल्हू में तो ब्रह्मेटा जीव के पेरै छे। राम जी उनट के तकलखिन, बउआ की हाल। भरत जी कहलखिन, बाप रे बाई सब तो परम विदुषी छथि, आब एहन गलती नहीं करब भैया, चलियो। रामभद्र सोचै छथि, भ सकैए विवाह में बर दौड़ के चलैत हेतै, चूंकि ऐसे पहिने तो विवाह कतौ भेलन है नहीं। प्राचीन जयदेव जी महाराज दशावतार जे गीत गोविंद में गौलन है लिखलन है, ताई में तो एहन चर्चा नहीं भेटे जे रामभद्र के पूर्वावतार में कतौ विवाह भेल हुए, तो विवाह तो देखलखिन नहीं, से ऐठम भ रहलन है जे भ सकैए विवाह में बर दौड़ के चलैत हेतै। रामभद्र डेग नमहर कह दलखिन, आबी अजान बाहु बर जे डेग नमहर कलखिन, त मिथिलानी दौड़ लगली, सोचलन एना नहीं हेतु, कोनो उपाय कर, बर के गति के मंद कर, झट द हास्य परिहास करैत कहे छथिन, सखी हे डेग नमहर पाहुन चलै छथि कोना, सखी हे डेग नमहर पाहुन चलै छथि कोना, हे चलै छथि कोना, खुजी बंधन मोहक बकरा भगैया जेना, खुजी बंधन मोहक बकरा भगैया जेना। जेना छागर नहीं खुट्टी तुट्टी उफाड़ के पड़ाई छे, तहिना बर पड़ा रहलखिन है। एहि बेर त शेषावतार लखन लाल जी के बर्दाश्त नहीं भेलन, वो कहे छथिन, आप लोगों ने किस न्याय से बकरा बोल दिया मेरे भैया को,
कुछ समझ में नहीं आता। मैथिलानी कहे छथिन, यो छटका पाहू, ई धनुष भंग कालक समय नहीं छे जे अपने परशुराम जी के संट को देने रही है। आहा की बाजब, आहा के तो अपन बाप दादा के नामे नहीं बुझल है। क्या बात करती हो, मुझे अपने पूरे कुल खानदान का नाम मालूम है। अच्छा बुझल है, तो कनी बापक नाम कही होता। मेरे पूज्य पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट श्री श्री 108 राजा दशरथ जी महाराज है। अच्छा की कहलिए गे बहिन, गे की कहलखिन गे, गे दशरथ कहलखिन गे। दस माने तो दस होइ छे, एक दू तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, माने दुनू हाथ के अंगुरी मिला कर दस, तो संख्या भ गए दस। आ रथ माने तो संस्कृत व्याकरण के न्याय से घोड़ा होइ छे, माने दस टा घोड़ा हिनका बाप छथिन। पाहुन पाहुन यो पाहुन, अहाँके दस टा घोड़ा बाप छथि। बहुत सुंदर, ई तो बापक परिचय छल, कनी दादा के परिचय दिय, बापक बाप के नाम लिया। लखनलाल जी कहे छथिन, मेरे दादाजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट श्री श्री 108 राजा अज है। अज की कहलिए, अज यो अज माने तो मिथिलांचल में संस्कृत व्याकरण के न्याय से सेहो अर्थ बदल जाय छे। ओ अज तो कहल जाइत छैक खसी, ई सुनि तई पड़ल ठाठा को हसी। सब मिथिलानी हंसा लगले और कहलखिन, जहन अहा के दादा के नाम छागर अज जे मने खस्सी होइ छे, तो हम कौन अतिशयोक्ति केलहुँ हैं, जहन छगरे गोत्र अहाँ के आबि रहल है तो हम तो गलती नहीं केलहुँ, हम तो ही न्याय से कहलहुँ। ई तो अज कुल के बालक भेलखिन जेना, ई तो अज कुल के बालक भेलखिन जेना। आब लखनलाल जी दिस राम जी तकलखिन है, बउआ जवाब भेट गल। लखनलाल जी मूरी लटका कर घूम गेलखिन है। राम भद्र विचार कलन जे नहु नहु चलू तो कोल्हुआ के बरत, डेग नमहर के लिए त छागत, आब की कैल जाए, आब चलबे नहीं करबन। बिच्चे आंगन में ठाढ़ भ गला, आब ठाढ़ पाहुन के देख कर मैथिलानी सोचे छथि जे बर जे नहीं हिलते नहीं चलते तो विवाह के कर हेते, आ बेसी विलम्ब हेते तो विवाहक मुहूर्ते निकल जेते। एहन टिकायल गप कहबे जे बर तो फेर धनादन चल लगते। कहे छथिन, सखी हे आंगन में ठाढ़ पाहुन लगै छथि कोना, सखी हे आंगन में ठाढ़ दुल्हा लगै छथि कोना, हे लगई छथि एना, हे लगई छथि एना, सखी हे सखुआ के खाम गड़ल हो जेना, सखी हे सखुआ के खाम गड़ल हो जेना। सखुआ के खाम नहीं घर के बरेरी के तनने रहे छे बीचे में, तहिना बोर ठाड़ छे। अइ बेर छोटका भाई के बर्दाश्त नहीं भेलनि ब्रह्मावतार, सोचलन जे जड़ और चेतन सब के सृष्टि हम करै छी, आ परम जे चेतन तत्व तिनका जड़ से उपमा भ रहल है, हम कोना बर्दाश्त करबै। कहै छथिन, भैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो पूछूंगा ही। राम जी कहलखिन, बउआ तू ही बाँचल छ, तू अपन जवाब पाबिये ल, खानदान के इज्जत कैला बाँचत भग, प्रश्नोत्तरी को कर नाक कटवा ले। पूछे छथिन सत्रोहन लाल जी, हिनका खाम के उपमा कहलियन कोना, हिनका
धाम के उपमा कहलियन कोना हम कहलियन एना। मिथिलानी कहै छथिन अइ न्याय से कहलियन हम कहलियन एना, हम कहलियन एना। खाम फाड़ी प्रहलाद के उबारलन जेना, खाम फाड़ी प्रहलाद के उबारलन जेना। खामो में यदि अही के भय नहीं छला तो खाम फाड़ी को नृसिंह रूप धारण को प्रहलाद के उद्धार कोना कल। आब तो शत्रुघ्न लाल जी से ओ मुरी घुमा लल, राम जी आपस में चारों भाई चारों के तकई छथिन। राम जी अब सोचे छथि की कैल जाए नहीं कैल जाए, उहापोह के स्थिति में छथि। तब तक मैथिलानी विधि करी, विध कर वाली स्नेह लता पहुँच गेली और सब मैथिलानी के कहे छथिन आ गे तो सब बर के कोनो में चैन नहीं रह देवी। नहू नहू चललखिन तो कोल्हुआ के बरद, डेग नमहर कलखिन तो छागर, रुक गलखिन तो खाम, बेचारे कोना चलथे। पूछथी स्नेह लता चलता कोना सखी है, पूछथी स्नेह लता चलता कोना, कोना चलता दुल्हा। मैथिलानी कहलखिन अपना मोने नहीं चलता, हम जना कहबन तहिना चल पड़ते। हम हे हम आंगुर इशारा बतबियन जेना, हम आंगुर इशारा बतबियन जेना। हम जना जना कहबन तेना तेना चल पड़ते। लखन लाल जी मोने मोने प्रसन्न भेला जे आइ धरि अपना आंगुर के इशारा पर जे सबके नचबैत अला, तिनका आइ मैथिलानी के आंगुरक इशारा पर नचैत देख कऽ हमरो मन में खुशी आयत। जे बुझियौ जे दोसरा के इशारा पर नाचऽ वाला के की गति होइ छै। खैर बर के सब मैथिलानी सब विध करबै छथिन, बड़ा खुशी के माहौल छै, सब प्रसन्न छथि। आइ माई सब छथि, वेद के मंत्र और ऋचा सब ब्रह्माणी रुद्राणी उमा ई तमाम सब मैथिलानी बनकर मिथिलांचल में अखिल ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर ब्रह्म दुर्लभ रूपधारी श्री राम के दर्शन कर रही है। विध आगा होइ छे, उठंगर के बेर होइ छे। मैथिलानी कहै छथिन आगे अही सब में ओझराल रहबे, धनकुट्टी कखन हेते, उखड़ला ने मुसरला ने, बर के बांधे जो ने। चारो भाई के ठाड़ कर दिल जाय छन और मैथिलानी सब गाव लगे छथि। चित चोरवा आजु बन्हेलनी हे, चित चोरवा आजु बन्हेलनी हे, सब शान गुमान गमे शान गुमान गमोलनी है। चित चोरवा आजू बन्हेलनी है, चित चोरवा आजू। एही चित चोरवा के सिरमनी मौरिया है, छोरवा छवि छहरोलनी छोरवा आजू बन्हेलनी है, चित छोरवा आजू। सोने के उखरवा मणिन के मुसरवा, सोने के उखरवा मणिन के मुसरवा, आठ चोटे चौरावा बनो आठे चोटे चौरावा बनोलनी है, चित चोरवा आजू बन्हेलनी है।
समस्त सृष्टि के अपन महामाया सा माया सा बांधा वाला मिथिलांचल में प्रेम के बंधन में बांधल गला है और सहर्ष बंधन स्वीकार कर रहला है। बड़ा सुंदर एक भाव छे संत के। राम भद्र केहन लाग रहला है और जनक लली केहन लाग रही है। सरसो के काली सिया ज्योति महान रे तीसी फूल रंग दूला सुहान रे तीसी फूल रंग दूला सुहान चन्ना चांद रे मोरा अंगना उगले चारो चन्ना चांद रे मोरा अंगना। जकरा लागी जोगी मुनि जकरा लागी जोगी मुनि वन में धरे ध्यान है वन में धरे ध्यान है से अंगना कूटे धान रे से प्रभु मोरा अंगना कूटे धान रे से प्रभु। जय ब्रह्मले ऋषि मुनि पहाड़ के कंदरा में जाकर तपस्या करे छथि से साक्षात ब्रह्म आई हमरा आंगन में धान कूट रहला है। रामभद्र मिथिलांचलक मिथिलानी लोकनिक आलोड़न बिलोड़न हास्य परिहास ब्रह्म साबित केनाई पुनर्हसी केनाई ठिठोली केनाई से बहुत प्रसन्न भ क मिथिलानी के कहे छथिन जे वरम ब्रोह बर मांगू अहाँ सब आई जे मांगब से हम दौ दे। मिथिलानी कहे छथिन यो दुल्हा यो पाहुन मिथिलांचल आइ धरि ककरो से किछु लेलकै या नहि मिथिला सतत दैत रहलैए आइ अहूँ अपूर्ण छलहुँ हैं जा धरि हम जानकी अपने के देने नहि छलहुँ हैं जानकी दऽ देलहुँ हैं तकर गुमान बढ़ि गेलै मिथिला में सम्बन्ध भऽ गेलै तकर गुमान भऽ गेलै। मिथिला के नौतवा से बढ़ि गेलै शान रे मिथिला के नौतवा से बढ़ि गेलै शान रे मिथिला के नौतवा से बढ़ि गेलै शान रे मिथिला के नौतवा से। योग जप ध्यान रे हमरा तो चाहिए पाहुन अहिसन मेहमान रे मिथिला के नौतवा से बढ़ि गेलै शान रे मिथिला के नौतवा से।
और बाण रे, हमरा त चाही अपहुन मंद मुसकान रे, मिथिला के न तब से बढ़ी गेल शान रे, मिथिला के न तब से मिथिलांचलक नाता से शान बढ़ गेल। रामभद्र मुस्का का चुप भ जाय छथि। आब त बेर भ गेलै कन्यादानक। मैथिलानी सब विदेह राज के कहै छथिन जे आब कन्यादान कैल जाओ। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुणे कन्यादान हे, आहे बाबा करुणे धियादान हे, जाहि धिया लागी बाबा नटुआ नचाओल, से धिया भेली बिरान हे, आहे से धिया भेली बिरान हे। वशिष्ठ मुनि मंत्र उच्चारथि, मंत्र पढ़थि श्री राम हे, आहे मंत्र पढ़थि श्री राम हे, आहे सिसकी रोवे मैया जग व्यवहार, यह थी जग व्यवहार। अब भावरी के बेर भ गए, नोर पोछे जाओ, अगला विध करे जाओ, सब फिर आँखि पोछि कऽ अगला विध लए तत्पर होइ छथि। भावरी के बेर होइए, गोस्वामी जी लिखने छथि, एरी कुंवारी कुंवारी कल भावरी दे, नयन लाभ सब सादर ले, अही भाव के रसिक गण कहे छथिन, चारो दुल्हा देत भंवरिया हे, चारो दुल्हा देत भंवरिया हे, संग सोहती दुल्ही नगरिया हे, चारो दुल्हा देत भंवरिया चारों।
श्यामा चारो जोड़ा जोरिया हे श्याम गौर गौर श्यामा चारो जोड़ा जोरिया हे हरे हरे होता चाहूरिया हे आहे हरे हरे होता चाहूरिया हे चार दूल्हा देत भवरिया हे चार दूल्हा देत फूली न समाती लखी मोदिया किंकरिया फूली न समाती लखे मोदिया किंकरिया हे लाली लाल लखनी लजोरिया हे आहे लाली लाल लखनी लजोरिया हे चार दूल्हा देत भवरिया हे चार भावरी भर रहल छन लावा छिटाओल जा रहलन है सब हास्य करे छे कहे छे दाई लावा छिरियाओ बाऊ बिछी बिछी खाओ हे हमर हजमा हिनकर हजमिनिया संग ही सुताओ दाई लावा छिरियाओ बाऊ बिछी बिछी खाओ हमर पंडित हिनकर पंडितन जोड़ी मिलाओ दाई लावा छिरियाओ बाऊ बिछी बिछी खाओ हास्य सब भ रहल सब आनंदित छथि आ बेर भ गेल सिंदूरदान के सिंदूरदान कर के आग्रह कैल जाय छन रामभद्र सिंदूरदान क रहला है बड़ा सुंदर एक भाव छन रसिक संत के कवन नगर के सेनुरिया सिनूर बेचे आयल रे आहे कवन नगर के कुमारी धिया सिनूर बेसाहल हे आहे कवन नगर के कुमारी धिया सिनूर बेसाहल हे आहे अवध नगर के सिनूरिया सिनूर बेचे आयल हे आहे मिथिला नगर के कुमारी धिया सिनूर बेसाहल हे आहे राम रंग रसिया जे परवा सिनूर चढ़ायल हे आहे राम रंग रसिया जे परवा सिनूर चढ़ायल हे सिया धिया वारी सुख मारी से सिनूर सवारल हे आहे सिया धिया वारी सुख मारी से सिनूर सवारल हे सिंदूरदान भ गेलन है आप मैथिलानी सब रामभद्र चारो भाई के चारो दुल्हा के चुमावक के तैयारी कर रही है और सब आबि गेलखिन है थारी लक बारी बारी से चुमाव ले आ गाबि रहलखिन है चुमा दियन हे ललना धीरे धीरे चुमा दियन हे ललना धीरे धीरे चुमा दियन हे ललना धीरे धीरे कंचन थार संहार सुवारथ घुमा दियन हे ललना धीरे धीरे घुमा दियन हे ललना धीरे धीरे सरोजी आबू महल सा दौड़ी सरोजी आबू महल सा दौड़ी बजा दियन हे बिछिया धीरे धीरे
बिसिया धीरे धीरे। चुम्बज चलली सासु सुहागिन, चुम्बज चलली सासु सुहागिन, जुड़ा दियन है ललना धीरे धीरे, जुड़ा दियन है ललना धीरे धीरे। राम भद्र के चुमाउन भ गेलन है, आब कोहबर दिस लौ जायल जा रहलन है। मैथिलानी सब सायर सब सरहज सब घेर लेलखिन है, कहे छथिन द्वार की छेकाई ने गे लूंगी मन भाई हो तब जाने दूंगी कोहबर सदन सोहाय, तब जाने दूंगी कोहबर सदन सोहाय, हो तब जाने दूंगी की जे मोरे भैया से निज बहिनी सगाई हो तब जाने दूंगी कोहबर सदा न सोहाय, तब जाने दूंगी कोहबर सदा न सोहाय, तब जाने दूंगी। अब तो रामभद्र कोहबर में छे, चारों दुल्हा चारों दुल्हन कोहबर में सुंदर ढंग से बैसल मैथिलानी सब वेद के ऋचा सब उमा रमा ब्रह्माणी रुद्राणी शिवानी सब हुनक दर्शन कर रही है। मिथिलावासी धन्य धन्य भेले, रामभद्र मिथिला से कहियो बाहर नहीं गला, जतबा हुनकर लीला छन ताहि में लोकक जे मान्यता हो, लेकिन दुल्हा दुल्हन सतत कोहबरे में रहे छथि, मिथिलांचले में छथि, एहन रसिक लोकनिक मान्यता छ। नमस्कार, ई राम विवाहक प्रसंग हम अर्पित कलौ अपन पूज्य पिता नित्य लीला प्रविष्ट पंडित राम नंदन मिश्र जी से आशीर्वाद, श्रीमान श्री श्री 108 प्रातस्मरणीय ललित किशोरी दास जी के मार्गदर्शन में जे किछु प्राप्त कलौ से अर्पित कलौ, जो कोनो गलती भेल हो क्षमा करब। गंगा कैसेट के द्वारा ई सांस्कृतिक धरोहर जे लुप्त भऽ रहल अछि तकरा हम राख के चेष्टा कलौ हैं, एकरा आदर सत्कार पूर्वक अपना घर में धरोहर के रूप में सब गोटे राखब। एहि निवेदनक संग एहि विश्वासक संग विदा लै छी। नमस्कार, जय मिथिला, जय मैथिली, जय जनक नंदिनी, जय श्री किशोरी जी।